नमस्कार एंड वेलकम टू रस्मे रसोई। मैं हूं शेफ निखिल। आजकल हमारी रसोई में मिक्सी, ब्लेंडर, फूड प्रोसेसर और अवन जैसे तमाम मॉडर्न गैजेट्स हैं, जिनकी वजह से कुकिंग बहुत ही सिंपल हो गई है। लेकिन हमारी नानी और दादी के टाइम पे ऐसे गैजेट्स कहाँ होते थे। मुझे आज भी याद है कि मेरी नानी मसाले एकदम फ्रेश पीसा करती थी, कभी सिलबट्टे पे तो कभी इमाम दस्ते में, और वही मसाले हमको भी पैक करके दिया करती थी, क्योंकि मेरी माँ के पास ज्यादा टाइम नहीं होता था इन सब चीजों के लिए। लेकिन उन मसालों से खाना एकदम फ्रेश बनता था। तो आज का दिन हमारी उन्हीं नानी माँ और दादी माँ की रसोई के नाम है। शुरुआत करते हैं एक ऐसे ही स्वादिष्ट रेसिपी से, नद्रू की यखनी। इसके लिए हमें चाहिए कमल ककड़ी, दही, बेसन, सौंफ पाउडर, बड़ी इलायची का पाउडर, छोटी इलायची यानी हरी इलायची, लौंग, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, जीरा, दालचीनी पाउडर, नमक, सौंठ पाउडर यानी कि जिंजर पाउडर, बारीक कटा हुआ धनिया, देसी घी और हींग, थोड़ा सा पानी भी है। सबसे पहले हमें चाहिए होगी एक कढ़ाई, और इसकी फ्लेम ऑन कर देते हैं और इसमें डाल देते हैं करीब 400 ml पानी, या यूं कह लीजिए कि 2 कप पानी इसमें डाल रहे हैं, और इसको हम थोड़ी देर गर्म होने देते हैं। तब तक इसमें हमें थोड़े से मसाले डालने हैं। सबसे पहले इसमें डाल देते हैं बड़ी इलायची का पाउडर करीब आधा चम्मच, सौंफ पाउडर ये भी आधा चम्मच, 3 या 4 लौंग, थोड़ी सी छोटी इलायची उसको भी आप क्रश करके और थोड़ा सा खोल के डाल दें, और इसमें डालते हैं दालचीनी का पाउडर ये करीब 1/4 चम्मच, और अब इसमें डाल देते हैं नमक ये स्वाद अनुसार, और इसमें डालते हैं थोड़ा सा सौंठ पाउडर ये भी करीब 1/4 चम्मच, और अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह इस पानी में घोल लेते हैं। ये देखिए बहुत ही फ्लेवरफुल स्टॉक हमारे पास तैयार है। अब हम इसमें डालते हैं ये कमल ककड़ी, और इसे अब हम इसी में पकाएंगे थोड़ी देर। तो आंच आप इसकी तेज ही रख सकते हैं यानी कि फ्लेम, और इसे कहते हैं नद्रू की यखनी। तो ये हमारे पास स्टॉक में इस वक्त कमल ककड़ी पक रही है। इसको थोड़ी देर करीबन 2 या 3 मिनट और इसे ऐसे ही पकने देंगे। तब तक हमारे पास यहाँ पर जो दही है, करीब 1 बड़ा कप दही है, इसके अंदर हम 2 छोटे चम्मच बेसन डाल लेते हैं, और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं दही और बेसन को, और ये इसका अच्छा सा बेस बनेगा। और स्टॉक की आंच हमने एकदम धीमे कर दी है, और इसमें डाल देते हैं ये दही का मिक्सचर, और अब इसे भी इसमें मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए इसका कलर एकदम बदल गया है, बहुत ही शाइन आ गई है इस मिक्सचर में। तो इसको अब हम थोड़ी देर फ्लेम ऑफ कर देते हैं, और इसको हम ढक देते हैं, बस इसलिए ताकि जो दही है वो अच्छी तरह गर्म भी हो जाए, और जो सारे फ्लेवर्स हमने स्टॉक में डाले हैं वो दही और बेसन में आ जाएं। थोड़ी देर इसे ऐसे ही रहने देते हैं, और शिफ्ट कर देते हैं इसे दूसरे स्टोव पर, और इस रेंज पर अब हम बनाएंगे इसका तड़का, और इसमें डालते हैं थोड़ा सा देसी घी। ये घी भी मेल्ट हो गया है। अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा जीरा 1 छोटा चम्मच, हरी मिर्च ये आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं करीब 1 चम्मच, और इसमें डाल देते हैं हम चुटकी भर हींग, और इसको अच्छी तरह हम सौटे कर लेते हैं। इसकी फ्लेम ऑफ कर देते हैं, और ये जो हमारे पास यहां पर यखनी तैयार है इसके अंदर हम ये तड़का डाल देते हैं। और इसको अच्छी तरह अब हम मिला लेते हैं। ये देखिए क्या बढ़िया कलर आ गया है। इसको एक बार हम फिर से इस फ्लेम पर ले आते हैं, और इसको थोड़ा सा और गर्म कर लेते हैं। वैसे आप चाहें तो इसकी जो फिनिशिंग है आप केसर से भी कर सकते हैं, थोड़े से गर्म पानी में या गर्म दूध में थोड़ा सा केसर घोल लें, और एंड में इसके ऊपर अच्छी तरह मिला दें, और बहुत अच्छा ऑरेंज या पिंक कलर आ जाएगा उसके ऊपर, तो वो एक अच्छी फिनिशिंग देगा। अब हम इसको थोड़ा सा थिक कर रहे हैं क्योंकि बेसन है, बस बेसन को थोड़ा सा पकाएंगे। जैसे ही ये बॉयल में आने लग जाएगा, जैसे अब आना लग गया है, इसको हम बंद कर देंगे, और ये तैयार है सर्व करने के लिए। तो चलिए फ्लेम ऑफ और सर्विंग टाइम।
तो ये लीजिए, तैयार है हमारे पास नद्रू की यखनी। इसे आप सर्व कर सकते हैं स्टीम चावल के साथ या फिर पुलाव के साथ भी। नद्रू की यखनी बनाने के लिए आपको चाहिए कमल ककड़ी एक कटोरी, दही एक बड़ी कटोरी, बेसन दो छोटे चम्मच, पिसी बड़ी इलायची आधा छोटा चम्मच, पिसी सौंफ आधा छोटा चम्मच, छोटी इलायची 2 से 3, लौंग 3 से 4, बारीक कटी हरी मिर्च 1 छोटा चम्मच, जीरा 1 छोटा चम्मच, पिसी दालचीनी 1/4 छोटा चम्मच, नमक स्वादानुसार, पिसी सौंठ 1/4 छोटा चम्मच, धनिया गार्निश के लिए हींग 1 चुटकी, पानी 400 ml। अब इसे बनाने की विधि नोट करें। एक कढ़ाई में पानी गर्म करें, इसमें बड़ी इलायची, सौंफ, लौंग और छोटी इलायची डालें। अब इसमें दालचीनी, नमक और सौंठ डालें और अच्छी तरह मिलाएं। कमल ककड़ी को डालें और पकाएं। दही में बेसन मिलाएं। अब इसे कढ़ाई में डालें और मिलाएं। एक पैन में घी गर्म करें, इसमें जीरा, हरी मिर्च और हींग डालें। अब तैयार यखनी में इस तड़के को मिलाएं, गार्निश करें धनिया से और सर्व करें।